नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी विद आरसम चैनल और मैं हूं राधेश्याम मेहरा। दोस्तों आज पे मैनेजर पे आप बैंक अकाउंट चेंज करने के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बैंक अकाउंट का प्रोसेस जो कि 28 जुलाई को ऑर्डर हुआ था वित्त विभाग का, उसमें आपका सर्कुलर चेंज कर दिया गया है। इसमें सिस्टम पहले जो होता था उससे अलावा कर दिया गया है, तो आप OTP बेस हो गया, यानी कि कार्मिक जो OTP बेस पे अपना सिस्टम में चेंज करेगा तो अकॉर्डिंग टू OTP बेस आपका खुद का दायित्व होगा, आप अकाउंट चेंज कर सकते हो। तो उसका अगर परिपत्र आप पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नीचे हमारी वेबसाइट पे लिंक दिया गया है, उस वेबसाइट से विजिट करके आप देख सकते हो। और वैसे मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ पूरा का पूरा, कैसे चेंज करेंगे पूरा A to Z बता रहा हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि पूरी जानकारी मिल सके। और वीडियो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर सबको करें। तो चलिए सबसे पहले आपको जैसे कि पता है कि एम्प्लॉय लॉगिन करना है, तो पे मैनेजर पे आप जाएंगे। पे मैनेजर पे जाने के बाद में यहाँ अगर डायरेक्ट पे मैनेजर आप लॉगिन कर रहे हो तो यहाँ ये ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देते। इसके लिए आपको फिर नीचे जो ऑप्शन दिया है इन ऑप्शन पर आपको आना होता है। और अगर डायरेक्ट आप पे मैनेजर के सेकेंड पे मैनेजर 2 पे जा रहे हो तो आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको एम्प्लॉय ID आपको एंटर करनी है, फिर आपका पासवर्ड जो है, फिर कैप्चा एंटर करने के बाद यहाँ एम्प्लॉय पे आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं करके आपको दिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों इसको अपन यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आप अपने आओगे, ठीक है दोस्तों। जैसे ही आप लॉगिन आओगे तो अभी लॉगिन पे आपको एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आपके मोबाइल नंबर पे आपको OTP भेजना पड़ता है, और OTP एंटर करने के बाद में आप इसके अंदर एंटर कर पाते हो, ठीक है। तो आप सबसे पहले सेंड करोगे OTP सेंड करने के लिए आपको फिर 5 मिनट का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाता है, और आपके पास OTP आने के बाद यहाँ पर आपको एंटर करना है। तो OTP मैं एंटर कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ आने के बाद में आप इस पर लॉगिन पे आ जाओगे। यहाँ आने के बाद में एम्प्लॉय लॉगिन के पर्सनल लॉगिन पे एम्प्लॉय कॉर्नर दिया गया है, इस एम्प्लॉय कॉर्नर पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ क्लिक करोगे तो इसमें आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, सभी ऑप्शन आपने काम के हैं। इसमें आपको जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है मास्टर डाटा रिक्वेस्ट, इस ऑप्शन पर आपको आना है। जैसे इस ऑप्शन पर आप आओगे तो यहाँ आने के बाद में आपको मास्टर डाटा में ये बहुत से ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, जिसमें आपके सारे ऑप्शन जो रिक्वेस्ट के ऑप्शन हैं जो आप भेजते हो। इसमें आपको यहाँ देखिए बैंक अकाउंट अपडेट, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे बैंक अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपका जो पुराना अकाउंट है, यानी करंट अकाउंट, कहने का मतलब करंट अकाउंट जो आपका अभी रनिंग में चल रहा है वो अकाउंट यहाँ पर शो होगा, और आपका न्यू बैंक अकाउंट यहाँ पर शो होगा, ठीक है। तो न्यू बैंक अकाउंट यहाँ पर शो होगा तो इसमें आप क्या चेंजेस करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो अगर आप मान लीजिए बैंक ही मतलब चेंज करना चाहते हो तो उसका सबसे पहले IFC कोड डाल के भी आप कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि यहाँ आप इस प्रकार से सेलेक्ट करके अकाउंट नंबर एंटर करके भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप IFC कोड चेंज करना चाहते हो क्योंकि आपने ब्रांच चेंज की है, तो आप IFC कोड डाल के भी आप इसको IFC कोड भी चेंज कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पर IFC कोड चेंज करना है, और आपको अगर बैंक अकाउंट चेंज करना हो, बैंक दूसरा चेंज करना हो, तो आप IFC कोड जैसे एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ऑटोमेटिकली नीचे ब्रांच वगैरह ऑटोमेटिकली आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले आपको IFC कोड एंटर करना है, और IFC कोड अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो डायरेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन सबसे बेटर तरीका IFC कोड का रहेगा। तो चलिए मैं IFC कोड यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसे भी आप IFC कोड एंटर करके और कहीं जैसे ही इसमें IFC कोड एंटर कर दोगे और उसके बाद में कहीं और क्लिक करोगे, तो जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करते ही ऑटोमेटिक ये सर्च कर लेगा। जिस प्रकार से मैं इस पर क्लिक करूँ, और इस पर क्लिक करने के बाद में मैंने एंटर कर दिया, और फिर मैं जैसे ही अलग क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर कर लेगा, ठीक है। इधर आपका ये ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट, और आपका बैंक नेम और ब्रांच, यहाँ आपको अकाउंट डालने हैं तो अकाउंट नंबर मुझे सेम रखने हैं, तो मैं ऊपर वाले जो है इनको मैं यहाँ से कॉपी करके और पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। मैंने सेम अकाउंट रखने हैं इसलिए मैं अकाउंट नंबर यहाँ पर डालता हूँ। और इसके बाद में यहाँ पर आपको एक फ़ाइल चूज करके और आपको फ़ाइल सबमिट करनी होगी, ठीक है। फाइल में आप अपना बैंक का चेक भी डाल सकते हो, करंट बैंक जिसका आप मतलब IFC कोड या बैंक चेंज करना चाहते हो उसका चेक डाल सकते हो, आप उसकी पासबुक डाल सकते हो, आप उसका जैसे मान लो ई स्टेटमेंट आपके पास है नेट बैंकिंग वगैरह का, तो आप ई स्टेटमेंट का भी डाल सकते हो। ये ध्यान रहे कि जो भी आप डाल रहे हो उसमें आपका उस बैंक का IFC कोड और उस बैंक के अकाउंट नंबर और आपकी ब्रांच का नेम उसमें शो होना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फाइल सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने फाइल सबमिट यहाँ पर चूज कर ली है, अब मैं यहाँ से कर देता हूँ डाटा सबमिट। तो जैसे ही मैं सबमिट करूँगा यहाँ नीचे कुछ दिया भी हो, देखो प्लीज़ अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ पासबुक फ्रंट पेज PDF एंड JPG फाइल, इन 5 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
या हालांकि इसमें ये दिया गया, आप उसके अकॉर्डिंग आप पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने बताया चेक का हो ये, क्योंकि इसमें डिटेल चाहिए, ठीक है। तो इसको सबमिट कर देते हैं। जैसे इसको आप सबमिट करोगे तो सबमिट सक्सेसफुली डाटा आ गया। अब आपका यहाँ पर डाटा सक्सेसफुली सबमिट आ गया और आपके अकाउंट नंबर वगैरह ही आ गए, रिक्वेस्ट क्रिएटेड हो गई, ठीक है। अब आप अगर रिक्वेस्ट को यहाँ से डिलीट करना चाहोगे, आपने मान लो गलत कर दिया, तो डिलीट भी कर सकते हो। और फॉरवर्ड का तरीका ये रहेगा, इस पर आप फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही इस पर आप फॉरवर्ड करेंगे तो आर यू श्योर मांगेगा फॉरवर्ड टू DDO, तो आप इसको श्योर ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे, ओके करने के बाद में आपकी जो रिक्वेस्ट है वो DDO को फॉरवर्ड हो चुकी है, ठीक है। हालांकि आपने जब लॉगिन किया तो उस टाइम OTP मांगा, तो आप वेरीफाई हो चुके हो कि आपने ही लॉगिन किया है और आप ही चेंज कर रहे हो, ठीक है। अब मैं DDO लॉगिन पे जाके आपको बताता हूँ, पूरा प्रोसेस बताऊँगा लास्ट तक, ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके, तो वीडियो लास्ट तक देखिए, ठीक है। इससे मैं लॉग आउट हो जाता हूँ यहाँ से। जैसे मैं लॉग आउट हूँगा, ठीक है, मैं यहाँ से DDO लॉगिन हो जाता हूँ। जैसे मैं DDO लॉगिन हूँगा तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई देगा, और मैं यहाँ आने के बाद में जो रिक्वेस्ट भेजी गई है उसको मैं देखूँगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, एम्प्लॉय की रिक्वेस्ट। अब यहाँ आने के बाद में आपके ऑथराइजेशन में आपको आना है। ऑथराइजेशन में जैसे ही आप आओगे, यहाँ आने के बाद में आपको एम्प्लॉय डिटेल अपडेशन का ऑप्शन मिल जाता है। इस ऑप्शन पे आप आओगे तो यहाँ आपको ये बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं अपडेट के। उसमें आपको बैंक के दो ऑप्शन मिलते हैं, एक पहला ऑप्शन ये मिलता है बैंक अप्रूवल्स, और दूसरा है एम्प्लॉय बैंक अपडेट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो इसमें से आप जैसे ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, बैंक अप्रूवल वाले ऑप्शन पे, तो आपको जितनी भी रिक्वेस्ट हैं वो यहाँ पर सारी की सारी शो हो जाती है, ठीक है। और नीचे वाले पे आप देख लेते हैं एक बार, नीचे वाले पे क्या आएगा वो एक बार ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको। तो इस पे आप जैसे अपडेशन पे आओगे, यहाँ आने के बाद में आपका जैसे बैंक के अपडेट रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ब्लैंक आ जाता है। यहाँ पर आपका जैसे ही आप देखोगे तो इस पे आप जैसे मान लो एम्प्लॉय पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको करंट बैंक की डिटेल आ जाएगी, और नीचे जो रिक्वेस्ट भेजेगी वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से भी आप अगर फॉरवर्ड करना चाहें तो फॉरवर्ड के लिए भी ऑप्शन आपके पास है, यहाँ से आप फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट शो नहीं होंगे, एम्प्लॉय ने जो डॉक्यूमेंट भेजे हैं वो शो नहीं होंगे, इसलिए आप इसको बेहतर तरीके से आप यहाँ से ही कर सकते हो। एम्प्लॉय अपडेशन पे गए और यहाँ आने के बाद में एम्प्लॉय बैंक अप्रूवल पे आ गए। यहाँ आने के बाद जैसे मेरे पास जितनी भी रिक्वेस्ट हैं सारी की सारी रिक्वेस्ट यहाँ पर शो हो जाएगी DDO को। जैसे एक रिक्वेस्ट पहले भेजी गई थी, इसको आप रिवर्ट किया गया है, और यहाँ लिखा गया है कि ये दिखा देता हूँ आपको कि रिमूव मिस्टर और एंड सन ऑफ फ्रॉम बैंक पासबुक, ये आपको हटाने के लिए बोला गया है, ठीक है। अब मैं इस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देता हूँ। यहाँ से पहले मैं यहाँ से व्यू करूँगा डिटेल, तो व्यू डिटेल करूँगा तो ये आपकी डिटेल व्यू हो जाएगी कि जो ब्रांच है ओल्ड ब्रांच कौन सी है, न्यू ब्रांच कौन सी करना चाहते हो आप, वो आपका आ गया। तो इसको आप देख सकते हो यहाँ से। और अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड है उसको आप देखना चाहो तो यहाँ से डाउनलोड ऑप्शन से भी आप क्लिक करके देख सकते हो, तो आपको वो डॉक्यूमेंट जो है आपने अपलोड किए वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपके शो हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आपको यहाँ से फॉरवर्ड करना है, और फॉरवर्ड टू ट्रेजरी जो करोगे तो उससे पहले आपको कोई इसमें रीज़न लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, रीज़न यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो ठीक है, जैसे मैंने इसका ब्रांच चेंज करने के लिए कहा है तो इसमें मैं इस फॉरवर्ड रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देता हूँ ऊपर रीज़न लिखने के बाद में, और मैं इस पर जैसे ही करूँगा तो ये फॉरवर्ड रिक्वेस्ट को श्योर कहेगा, तो ओके कर देंगे इसको। जैसे ही ओके करेंगे तो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड सक्सेसफुली हो चुकी है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देगा। अगर आप को ये डॉक्यूमेंट वगैरह गलत दिखाई दे रहे हैं और आपने सही नहीं किए हैं तो आप यहाँ से रिवर्ट भी कर सकते हो, एक प्रॉपर रीज़न देते हुए यहाँ से रिवर्ट कर सकते हो। और यहाँ अगर आपको फॉरवर्ड कर दिया उसके बाद में ट्रेजरी का काम रहता है, ठीक है, दूसरे तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। अब जैसे ही ट्रेजरी आपको, ठीक है दोस्तों, जैसे ही ट्रेजरी इसको अपडेट करेगी या फिर कोई कारण से रिजेक्ट करेगी तो आपको जैसे मैंने दिखाया इस प्रकार से आपको शो होगा। और ये रिक्वेस्ट कहाँ तक पहुँची है वो आपको एम्प्लॉय लॉगिन पे भी आपको दिखाई देगी। तो इस प्रकार से आप बैंक डिटेल आसानी से चेंज करवा सकते हो, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर सबको करें। थैंक यू।